Hey guys, welcome and welcome back to my haul video. तो व्लॉग तो आप लोगों ने देख ही लिया है कैसा लगा है कॉमेंट में ज़रूर बताएगा अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हॉल वीडियो बहुत ही थोड़ा सा सामान लिया है मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी है सो so चलिए गाइस मैं फटाफट से स्टार्ट करती हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है भारत महोत्सव से सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस ब्यूटिफुल इमोजी पिलो सो क्यूट कितनी क्यूट है एंड बहुत ही सॉफ्ट है सो so ये सोनाली को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी इसलिए हम लोगों ने पर्चेस करी थी एंड ये काफ़ी क्यूट लग रही है बहुत ही प्यारी सी है यू कैन सी बहुत ही क्यूट सी है एंड सॉफ्ट सी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड ये मुझे मिली थी एटी रुपीज़ में या एटी रुपीज़ था इसका प्राइस सो तो ये एटी रुपीज़ में मिल रही थी अगर आप दो पिलो लेंगे तो वो वन फिफ्टी में मिल जा रही थी आराम से तो मुझे तो ये पिलो बहुत अच्छी लगेगी एंड गाइस जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस ब्यूटिफुल जूती कितनी प्यारी एंड ये कितनी सुंदर लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी सो तो ये मैंने परचेज़ करी थी एंड ये मुझे मिली थी 200 में बहुत ही प्यारी लग रही एंड लुक एट दिस इसमें मिरर वर्क है यू कैन सी कितना प्यारा मिरर वर्क है आपको इस टाइप की जूतियां काफ़ी डिफरेंट कलर में मिल जाएंगी बट मुझे ब्लैक कलर पसंद आया था सो so मैंने ब्लैक कलर लिया है सो गाइज़ इन जूती का प्राइस है टू हंड्रेड सो गाइस मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड गाइस जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिस नेकलेस, ब्यूटिफुल सिल्वर नेकलेस यू कैन सी कितना प्यारा है यहाँ पे इस तरह से पिकॉक टाइप की बनी एंड ये झुमकी लगी है एंड ये मुझे मिला था 120 का या 120 का था इसके साथ दो झुमकी भी दी गई हैं इस तरह से छोटी सी झुमकियाँ हैं यहाँ पर यू कैन सी इसके साथ इस तरह से झुमकियाँ भी दी गई हैं बहुत ही छोटी छोटी सी हैं एंड ये मेरे मुझे काफ़ी टाइम से लेना था तो मैंने सोचा चलिए परचेस कर लेती हूँ बहुत ही प्यारा लग रहा है इसमें काफ़ी लंबी चैन है सो so, मेरे आने वाले वीडियोस में मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी साड़ी के साथ एंड 120 में, में मिली थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इस टाइप में काफ़ी सारे नेकलेस थे जो आपको 120, 200, 300 में आराम से मिल रहे थे एंड कुछ मुझे पसंद आ रहे थे कुछ की क्वालिटी नहीं अच्छी थी इसलिए मैंने नहीं लिया था एंड गर्ल्स जो मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर कर रही हूँ दिस ब्यूटिफुल क्लच यू कैन सी कितना प्यारा क्लच है एंड दिस इज़ द बैक दिस इज़ द फ्रंट बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन बहुत ही क्यूट लग रही है मुझे इसका कलर कुछ रानी पिंक सा है एंड रानी पिंक बहुत डार्क पिंक कलर है इसका बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड ये मुझे मिला था 200 ये मुझे मिला था 250 में या yeah, ये मुझे मिला था 250 समथिंग या मुझे जहाँ तक याद है तो ये मैं मम्मा ने लिया था अपने लिए एंड ये बहुत ही प्यारा लग था पार्टी में आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो बहुत ही प्यारा लगेगा एंड अंदर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चैन बनी है इसमें इस तरह से लंबी चैन बनी है अगर आप चाहें तो इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से क्लच की तरह भी यूज़ कर सकती हैं सो so, ये आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड गेस्ट नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मम्मा ने लिया था अपने लिए बैगल्स सो बेंगल्स so, में मम्मा ने ये लाख के बैंगल्स लिए थे ये बहुत ही प्यारे हैं रेड येलो ग्रीन कलर में इस तरह से हैं बहुत ही ब्यूटीफुल हैं सो so, मैं आपको इन्हें पहन के दिखाती हूँ सो गाइज ये बैंगल्स पड़े थे हंड्रेड रुपीज़ में एंड ये टू मिल रहे थे इस तरह से हंड्रेड रुपीज़ में बहुत ही प्यारे लगे थे आप इसे इस तरह से सिंगल सिंगल डाल सकते हैं दोनों ही हाथों में यू कैन सी बहुत ही प्यारे डिज़ाइन है इस तरह से काफ़ी जगह पे स्टॉल लगा था बैंगल्स का बहुत अच्छे अच्छे बैंगल्स मिल रहे थे बट मुझे ना गर्ल्स टाइप में बैंगल्स वहाँ पर ज़्यादा पसंद नहीं आए थे तो इसलिए मैंने नहीं लिया वरना मैं जरूर लेती अगर मुझे कुछ अच्छा दिखता तो मैं बैंगल्स जरूर लेती एक्चुअली मैं ज़्यादा अंदर तक गई नहीं थी थोड़ी दूर पे गई थी क्योंकि एक दिन में आप पूरा नहीं घूम सकते महोत्सव सो गए so इस महोत्सव में काफ़ी बार जा चुकी हूँ पहले आशियाना में जहाँ महोत्सव भरत महोत्सव इस टाइम पे लगा रहा है वहाँ पर पहले लगता था लखनऊ महोत्सव एंड वहाँ पर मैं काफ़ी बार जा चुकी हूँ तो एक दिन में तो मैं बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था घूमना एक दिन में मैं सिर्फ आधा घूमती थी एंड उसके बाद फिर सेकंड डे जाती थी मतलब दो तीन दिन बाद फिर मम्मा के साथ सेकेंड टाइम जाती थी एंड फिर मैं पूरा घूमती थी तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड गैस नेक्स्ट मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ दिस बैग यहाँ वहाँ पर ना इस तरह के काफ़ी सारे बैग्स मिल रहे थे यू कैन सी ये हंड्रेड रुपीज़ में मिल रहे थे हंड्रेड रुपीज़ पर बैग का था एंड ये हम लोगों ने लिया था क्योंकि हम लोग सामान ले रहे थे तो रखने के लिए हम लोगों ने ये लिया था एंड गाइस ये वाइट कलर में बैग है तो इस तरह से इसकी डिज़ाइन थी ब्लैक में भी मिल रहे थे अगर आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर कहीं मार्केट जा रहे हैं तो आप इस तरह का बैग ले सकते हैं एंड गाइस जो नेक्स्ट मम्मा ने लिए है वो कप इस तरह से काफ़ी सारे कप लिए हैं एंड ये मम्मा ने लिया है येल्लो कलर में कप ये बहुत ही प्यारा लग रहा था 150 में ये सिक्स कप मिल रहे थे एंड ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे एंड काफ़ी लाइट वेट भी हैं तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे एंड गैस जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने लिया था मिट्टी के बर्तन एंड इसमें ना खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे कुकिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है एंड आपको कुकिंग वीडियोस भी काफ़ी सारे मिलते ही रहते हैं मेरे चैनल पर तो उसके लिए मैंने ये लिया था इस तरह के वहाँ पर कुकर कढ़ाई वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही थी बट मुझे ना इसका प्राइस रिजनेबल लगा था इसलिए मैंने ये परचेज किया था एंड मुझे ये पढ़ा था टू हंड्रेड रुपीज मेट एंड बार्गेनिंग आप आराम से कर सकते हैं बार्गेनिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा चलती है डिपेंड करता है आपकी बार्गिनिंग स्किल पे कि आप कितनी ज़्यादा बार्गनिंग करा सकते हैं सो so, मैंने ये परचेज किया था 200 का वो 350 बोल रहे थे बट मैंने कहा नहीं 200 देंगे तो उन्होंने फिर मान लिया था कि हाँ चलिए ठीक है 200 में ले लेते हैं तो ये इस तरह का पॉट है एंड यू कैन सी ये काफ़ी अच्छा है इसमें खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है एंड गैस जो सौंधी सी स्मेल आती है ना बहुत ही टेस्टी लगता है खाना तो मैं इसमें ज़रूर ट्राई करूंगी एंड जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसमें क्या बनाती हूँ इसमें आप ना जो कंचुल यूज़ करिए वो हमेशा या तो उठ की हो या तो फिर आप मिट्टी की लीजिए वहाँ पर मिट्टी की मिली थी बट मैंने वो भूल गई मैं लेना जल्दी जल्दी में बहुत जल्दी ली, मैंने सामान लिया तो वुड की जो कंचुल आती है वो मैं ज़रूर लूँगी एंड उससे फिर इसमें खाना बनाऊँगी बहुत ही आराम से बन जाएगा सो ये बहुत ही प्यारा सा है तो इसके साथ आपको इसमें ये प्लेट मिल जाती है इसको ढकने के लिए एंड ये इस तरह से ढक जाती है काफ़ी अच्छे से जैसा कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा बहुत ही अच्छा अच्छा सब सामान था एंड बॉटल्स वगैरह काफ़ी सारा सामान था तो मुझे ये पसंद आया था इसलिए मैंने ये परचेज किया यस मेरा हॉल वीडियो कम्प्लीट हो चुका है मैंने ज्यादा सामान नहीं लिया एंड यस आई होप आपको ये वीडियो एंड ब्लॉग अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर करिएगा शेयर कर दिया करिए ये वीडियो के साथ अगर अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक तो जरूर किया करिए एंड अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करिए कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको हॉल में से सबसे ज्यादा क्या पसंद आया ब्लॉग में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताएगा सो so, गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग